खरगोन जिला मुख्यालय पर अतिथि शिक्षकों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बताया जा रहा है कि अतिथि शिक्षक विगत 12 वर्षों से बहुत ही कम मानदेय पर शासकीय स्कूलों में काम कर रहे हैं, वहीं उन्होंने शिक्षा का स्तर भी बढ़ाया है। विधानसभा चुनाव में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की बात कही गई थी, जो आज तक पूरी नहीं हुई है। इसी को लेकर अतिथि शिक्षकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। आज हम समस्त जिले के अतिथि शिक्षक अपनी मांगों को लेकर के ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें हमारी मांग यही है कि जो कांग्रेस सरकार ने चुनाव के समय में जो अपना वचन पत्र जारी किया था, उसमें अतिथि शिक्षकों को 90 दिन के अंदर नियमित करने का वचन दिया था, जो कि आज 6 महीने हो गए हैं, लेकिन हमारे नियमितीकरण की कोई प्रक्रिया नहीं बनी है, उसका ज्ञापन देने आए हैं। हमारे इसके अलावा क्या मांग है? इसके अलावा हमारी मांग यही है कि जो वचन पत्र है उसका पालन किया जाए, जिसमें कि एक समिति का गठन हुआ था उसका भी जवाब अभी तक नहीं आया, उसका भी तुरंत जवाब दिया जाए समिति का। और हमारी मांग ये है कि जो वर्तमान सत्र 2019-20 में अतिथि शिक्षकों को रखे जाए, अनुभव के आधार पर रखे जाए, अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर रखे जाए, यही हमारी मांग है। और 19-20 सत्र में जो ऑनलाइन प्रक्रिया है इसको बंद की जाए। आपने आंदोलन की भी चेतावनी दी। यदि हमारी ये मांग है 10 दिन के अंदर पूर्ण नहीं होती है तो हम अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करेंगे, और बिल्कुल हमारी मांग हम किसी भी तरीके से